तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि यार संदीप भाई हमें चैती मेला दिखाइए कि चैती मेले में तैयारी कहाँ तक हो गई है। आज संडे था, सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा यार फ्री हूँ तो आप सभी के लिए दिखा भी देता हूँ, आप परेशान भी हो रहे होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ चैती मेले के अंदर और आप देख सकते हैं कि जितने भी झूले जो लगने वाले हैं उनका जो सामान है वो सारा कुछ आ चुका है। और आप इधर देखेंगे तो देखो बड़ा वाला झूला जो है वो क्रेन से लग रहा है। और सर कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हैं? मतलब आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पर मेले में? हलवा पराठा। अच्छा, तो भैया जी हलवा पराठा लगा रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और कैसा लग रहा है मेला? और इस बार महंगा है या कैसा है? दुकानें कैसी मिल रही हैं? दुकानें महंगी मिल रही हैं। क्या रेट है इस वक्त दुकानों का? रेट अभी खुला नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप सभी को कौन कौन आ रखा है मेले में। उधर की तरफ चलते हैं, उधर भी चलते हैं और उधर भी चलते हैं और मज़े से आपको दिखाते हैं। और ये भी दिखाता हूँ कि ये देखो मेले का ये वाला जो है ना वो घूमने वाला वो भी आ रखा है। और जिस हिंडोले में आप बहुत ज्यादा मजे लेते हैं, घूमते हैं और भाई को भी चिल्लाते हैं, मैं तो बहुत मजे लेता हूँ। वो देखो कैसे पड़ा है इस वक्त, ये देख रहे हो, ये हिंडोले का ही सामान है। और ये देखो इधर की तरफ, अभी ये पूरी तरह से लगेगा, अच्छी तरीके से बनेगा और इसके बाद भाई साहब सभी आएंगे, आपकी पूरी फैमिली आएगी और मजे लेगी। और ये देखो कितनी मेहनत लगती है इन लोगों की, मेहनत कर रहे हैं भाई लोग। भाई कहाँ से हो आप? चलो पहले रख मेरठ से। भाई से मेरठ से। मेरठ से हो आप? हाँ, मेरठ का माल है। तो कब तक हो जाएगा ये तैयार? 24 तक तैयार हो जाएगा सब। 24 तक हो जाएगा जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, पेट में ना घुस दे भी रही है। पीछे से वीडियो बना रहा था ना तो ऐसा डर लग रहा था, महको वो पीछे से मार रहा था, आगे से मार रहे वो पेल करके और पीछे वो तो सही अटक गया ना, तो मैं गया था अभी। कहाँ से हो आप? पंजाब। कहाँ से हो? मतलब क्या बनेगा इसमें? नाव। नाव का सामान है ये? दूसरी नाव है ये? दो नाव बनेंगी ना? तीन बनेगी। हाँ तीन बनेगी। कितनी देर में बना दोगे नाव? देर में क्या है, दिन में, दिन की बात करो, देर की नहीं बात करो। कितने दिन में बन जाएगी? लग जाएंगे 3 दिन। 3 दिन लग जाएंगे? तो भाई लोगों देखो नाव को बनने में 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेगा? 3 दिन। 3 दिन लग जाएगा। कहाँ से आए हो सर आप? मुजफ्फरनगर से। अरे यार इतनी मेहनत कर रहे हो, पूरा काशीपुर देखेगा आप तुम्हें कि कितनी मेहनत से बनता है ये झूला और जो लोग मजे लेते हैं आकर के। देख रहे हो कितने खतरनाक तरीके से यार ये लगा रहे हैं इसे। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि चैती मेले का मेन मंदिर है उसके अंदर, और मैं अभी आपसे जो यहाँ के मुख्य जो पंडित हैं उनसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने कौन सी तारीख को जो है जो मेला है बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इधर देखिए हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम भैया। बहुत बहुत आपने मुझे अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए मैं मुख्य पंडा विकास कुमार अग्निहोत्री, माँ बाल सुंदरी मंदिर श्री चैती मेला काशीपुर से। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था कि कितनी तारीख से मेला मतलब बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है फाइनली? देखिए मेला जो है हमारा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है जो कि इस बार 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, 22 मार्च से इस वक्त मेला प्रारंभ हो रहा है। और जो मेले के अंदर सारी चीजें हैं जैसे झूला हो गया ये सारी
सारी उसी डेट को स्टार्ट हो जाएंगे या एक दो दिन के बाद? हमारा जो मेला है वो 22 से प्रारंभ है, लेकिन जो मुख्य मेला रहता है वह देवी जी के आने से प्रारंभ होता है। अच्छा, जो कि 28 तारीख की अर्धरात्रि में माता जी का डोला नगर मंदिर से चैती मेला आ जाएगा और उसी के साथ साथ यहाँ मेले में भव्यता और भीड़ इत्यादि जो है अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। काशीपुर वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिये, मैं यही कहना चाहूंगा, माँ भगवती बात सुंदी सभी पे कृपा दृष्टि बना के रखें और आइए, आप सभी का स्वागत है मेले में। स्वच्छता का ध्यान रखें और ये मेला सभी का है और इसका आनंद लें, भगवती कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतना टाइम देने के लिए। तो अगर आप मेले के अंदर आ रहे हैं तो आपको एक खास चीज दिखाता हूँ कि आपको ऐसा लगता है ना कि मेले के अंदर कोई कैमरा वैमरा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पूरे मेले के अंदर देखो चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो आप 2 मिनट के अंदर पकड़े जाएंगे। तो आपको बताता हूँ कि देखो गुरुजी ने मुझे ये प्रसाद दिया है और मेरे पास लिटरली 1 रुपया भी नहीं था, इसी वजह से कोई बात नहीं, लेकिन हाँ गुरुजी काफ़ी अच्छे हैं, दिल के काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों अभी तक जो मैंने मेले के अंदर 3 ही चीजें देखी हैं, एक देखी है ये जो ट्रैक्टर आते हैं ना ये आ रखे हैं, और अभी मैं पूछता हूँ ये कहाँ से आ रखे हैं। इसके साथ ही दूसरे ये जो बलून हैं, ये जो गुब्बारे टाइप से होते हैं ना, मेरे को तो यार इतना ही पता है, तो ये आ रखे हैं। और एक मेहंदी वाले की दुकान मैंने यहाँ पर देखी है। क्या कर रहे हो आप, खेल रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं भैया। टाइम पास कर रहे हैं? तो ये भैया देखो क्या बनाते हो तुम, टैटू बनाते हैं। टैटू बनाते हैं, मैं पता है तुम्हें क्या बोल रहा था, मेहंदी लगाने वाले भी तो पढ़ाना, परमानेंट टैटू बनता है। अच्छा परमानेंट टैटू बनाते हो, क्या रेट है तुम्हारा? 100 रुपए इंच है। 100 रुपए इंच पे बनता है। अच्छा इंच पे बनता है। कहाँ से हो आप? राजस्थान। राजस्थान से आए हो? ये ट्रैक्टर जो है आप ही के हैं? कितना दिन हो गया तुम्हें आए हुए? इधर 10-15 दिन हो गया हमारे को। तो कितना रुपया पे किया तुमने यहाँ पे लगाने का? इधर अभी तो करा नहीं है, अभी वो बोल रहा है जगह लेना पड़ेगा आपको दुकान के लिए। अच्छा, तो दुकान का रेट क्या चल रहा है, कितना बोल रहे थे? ऐसे एक फीट का 1000 रुपए के लिए बोल रहे थे। एक फीट का 1000 रुपए? हाँ जी। इसलिए दुकानदार नहीं आ रहे। दुकानदार ही नहीं आ रहे, दुकानदार नहीं आ रहे, इसलिए पूरे दुकान मेला खाली पड़ा है, नहीं तो अब तक तो पूरा मेला भर जाता। अच्छा ये तुम्हारी फैमिली, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तक लगा मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली 10। अरे वाह, 10। लड़के कितने हैं आपके? 4 लड़के हैं। 4 लड़की 4 लड़के और 4 लड़कियां 5 है 5 लड़की। यहाँ पर कितने लोग आ रखे होंगे आपकी तरफ से? हमारी तरफ से अभी तो 2-3 दिन में बहुत आदमी आ जाएगा हमारे और इधर। अच्छा, हम हर साल आते है ना, अभी तो गांव से आ रहे, राजस्थान से बहुत आ रहे। ये जो ट्रैक्टर है आप कितने रुपए में बेचते हैं? ये 150 का बेचते हैं हम, 130-120 ऐसे बेच देते हैं भाई। अच्छा, कोई जाता है क्या आदमी 30-40 हजार रुपए तो कमा लेते हैं। अरे नहीं इतना तो नहीं, ज्यादा होता है। तो नहीं होता है बाबू, नहीं होता है, काम हो जाता है, लेकिन हम तो बता दे भाई 30-40 हजार 500 रुपए खर्चा का ये दिन का आएगा। अच्छा, और एक दिन का खर्चा कितना हो जाता है तुम्हारा रहने का यहाँ पे? रहने के एक दिन का सुबह शाम का कम से कम 300 रुपए। तो 400। कितने रुपए का माल लेके आते हो तुम? जो माल लेके आते हो मतलब अपने साथ, ये जो ट्रैक्टर हो गया छोटा, एक एक आदमी लेके आते हैं। तो अभी तक मुझे मेले के अंदर 3-4 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये जो छोटे छोटे से ट्रैक्टर हैं ये आ रहे हैं, दूसरी जो नजर आ रही हैं वो है भाई साहब जूस के जो ठेले हैं वो 3-4 जगह हैं। तो पहले जाकर यार जूस पीता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। आप सभी के लिए वीडियो बनाने आ गया था आप सपोर्ट कीजिए बस, और अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहिए, और बहुत जल्दी मेरा एक और न्यू ट्रिप स्टार्ट होने वाला है इंटरनेशनल, तो उसका बस इंतज़ार कीजिए। मजा आ गया यार, गन्ने का जूस पीते ही दिल को शांति मिल जाती है, जस्ट वाव। तो वहाँ देखो पापा की परी स्कूटी चला रही है, वाव। भाई साहब ये देखेंगे कि मंदिर के अंदर जो जाने के लिए ये जो लगाए गए हैं यहाँ पर पूरी तरह से पेंट हो रहा है, और मंदिर के
जो साइड में वहाँ पर देखो दुकानें लगना स्टार्ट भी हो गई हैं। देखो मुकेश भाई ने हमारा सारा पेंट भी कर दिया यहाँ पे। और जो चैती मंदिर में दुकानें खरीदना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ, दुकानें लेने के लिए बस सिंपल सा स्टेप है, जैसे ये जो माता रानी का मंदिर है इसके जस्ट इधर की तरफ आप देखेंगे, इधर ही है ना, हाँ इधर की तरफ जो देखेंगे यहीं पर ही लोग बैठे हैं। या क्या रेट चल रहा है? देखो रेट तो अभी कोई खोला नहीं है, रेट तो भैया खोलेंगे हमारे जो है ठेकेदार जी वो लोग खोलेंगे, वो कहीं जा रखे हैं या जैसा भी होगा। हाँ। सबको दुकानें दी जाएंगी जिस भी कंडीशन की। पिछले साल का रेट क्या होगा आपका? ये तो कुछ नहीं पता जी, पिछले साल वाला तो देखो दूसरों का ठेका था उन्हें पता है। रिक्वायरमेंट क्या है चलिए आप ये तो बता सकते हैं, लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कहीं का भी पूरे इंडिया का कहीं से भी लोग आ सकते हैं? पूरी ऑल इंडिया के कहीं के भी लोग आ सकते हैं। मैं नवरतन गिरी। तो गाइस जो मैं सोच रहा था वही है, यहाँ पर जो दुकान लेने वाले हैं उन्हीं का ही नाम नोट किया जा रहा है और इंडिया के ऑल इंडिया लेवल के कोई भी व्यक्ति आकर के मेले में दुकान लगा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, आप मुझे बताइएगा। तो हाँ भाई मैंने सही सोचा था कि जो अपने मोटेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर भी पेंट हो रहा है, उधर की तरफ तो हो रहा था माता रानी के मंदिर पे, मोटेश्वर महादेव के मंदिर पर भी पूरी। फाइनली गाइस आपने देखा कि चैती मेला अभी तक कितना लग चुका है, आप सभी के लिए मैंने इतना किया है, तो आप छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 5 से लेकर के 10 वीडियो आने वाली हैं बैक टू बैक, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो आने वाली हैं चैती मेले की, और 1 तारीख को हमारा न्यू ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, उसको भी ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।